कोरोना वायरस की वजह से फंस गए 6000 लोग। चीनी दंपत्ति की वजह से ब्रिटेन में मची अफरा तफरी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में मचा हड़कंप। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि ये वायरस लगातार पूरी दुनिया में फैल रहा है। ताजा मामला ब्रिटेन से सामने आया है, जहां पर एक क्रूज में लगभग 6000 यात्री सवार थे। इन्हीं में से एक चीनी दंपत्ति भी था। चीनी दंपत्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद 6000 यात्री फंस गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इटली में यात्रियों से भरे एक क्रूज को इसलिए पोर्ट पर रोक दिया गया क्योंकि उसमें सवार एक चीनी दंपत्ति ने तबीयत खराब होने की शिकायत की थी। चीनी दंपत्ति की खराब तबीयत के बारे में सुनकर सभी की सांसें अटक गईं। अधिकारियों को भी डर हो गया कि दंपत्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। फिर क्या था, क्रूज को वहीं पर रोक दिया गया। दरअसल क्रूज में सवार एक दंपत्ति ने अचानक चालक दल के सदस्यों को बताया कि उनकी तबीयत खराब है। उन्होंने सर्दी और जुकाम की शिकायत की। इसके बाद अफरा तफरी मच गई और क्रूज को अगले आदेश तक वहीं पर रोक दिया गया। इसके बाद क्रूज में सवार सभी लोगों की जांच की गई। मिली जानकारी के मुताबिक क्रूज का नाम कोस्टा सारमोडा है और ये क्रूज ब्रिटेन से बोर्ड किया गया था। क्रूज के कप्तान ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और बोर्ड पर कोई परेशानी नहीं है। वर्तमान में यह क्रूज रोम से 35 मील उत्तर सिबिटेवचिया में रुका हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने चीन की सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया है कि वहां अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9692 कन्फर्म केस सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने बताया कि हमारी चिंता वैसे देशों को लेकर है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर हैं और उन देशों को कोरोना से मुकाबला करने में परेशानी हो सकती है, इसीलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 18 देशों में कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। भारत में भी इसको लेकर सावधानी बढ़ा दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।